गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं चांदनी एंड यू आर वाचिंग ब्यूटी विद सनशाइन। वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट एवरी गर्ल फेसेस इज अ प्रॉब्लम ऑफ एक्ने। सो टुडे आई विल बी रिव्यूइंग वन ऑफ द फेमस एंटी एक्ने प्रोडक्ट। विद दिस लेट्स गेट स्टार्टेड टू द वीडियो। एक्ने होने के पीछे बहुत सारे रीजंस रहते हैं। स्पेशली वेन वी आर एंटरिंग आर टीन एज, आर बॉडी अंडरगोज थ्रू मेनी हॉर्मोनल चेंज, जिसके वजह से आपको एक्ने होते हैं। द टाइप ऑफ स्किन दैट वी हैव, द डाइट विच वी आर गोइंग थ्रू एंड द वेदर इन विच वी आर लिविंग, बहुत सारे टाइप्स होते हैं एक्ने होने के। माई स्किन इज ऑल्सो एक्ने प्रोन, सो स्पेशली आई एम अट्रैक्टेड टूवर्ड्स एंटी एक्ने प्रोडक्ट्स इन मार्केट। मार्केट में जो भी एंटी एक्ने प्रोडक्ट्स आता है, आई गो थ्रू इट, आई कीप सर्चिंग इन नेट कि क्या प्रोडक्ट यूज करने से क्या किस टाइप का आपको रिजल्ट मिलेगा। सो टुडे आई एम रिव्यूइंग अबाउट वन ऑफ द फेमस एंटी एक्ने प्रोडक्ट। यस, दिस इज स्किन क्राफ्ट। आई एम बीन यूजिंग इट लाइक, सो टुडे आई एम रिव्यूइंग अबाउट इट। स्किन क्राफ्ट के प्रोडक्ट्स के एडवर्टाइजमेंट मैं ऑलमोस्ट सारी जगह पे देखी थी, स्टार्टिंग फ्रॉम द इंस्टाग्राम टू यूट्यूब एडवर्टाइजमेंट। सो आई वॉज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स इट। एंड बेस्ट पार्ट मुझे इसका ये भी अट्रैक्ट किया था कि दैट इट प्रोवाइड्स यू अ कस्टमाइज प्रोडक्ट। इट फर्स्ट नो योर स्किन टाइप, किस टाइप का आपका स्किन है, एंड आफ्टर नोइंग दैट ये आपको उस टाइप का प्रोडक्ट रिकमेंड करता है। तो आई ऑल्सो गॉन थ्रू सर्टन Q&A सेशन इन दैट दे आस्क मी माई स्किन टाइप, वॉट काइंड ऑफ स्टाइल, लाइफ स्टाइल आई एम गोइंग थ्रू। दिस ऑल क्वेश्चन दे आर सर्टन टाइप ऑफ Q&A सेशन यू हैव टू गो थ्रू इट, देन दे विल प्रोवाइड यू द प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू दैट। तो जो मेरा स्किन टाइप है इट्स एक्ने प्रोन, एंड व्हेन आई स्टार्टेड यूजिंग दिस स्किन क्राफ्ट प्रोडक्ट्स मेरे चेहरे पे लाइक ऑलमोस्ट 3 से 4 एक्ने थे, जिसके वजह से मैं इसको यूज करना स्टार्ट की थी। आई वांट टू नो किस टाइप का रिजल्ट ये मेरे स्किन में आता है। एंड आफ्टर यूजिंग इट, इसको मैंने वैसे यूज किया जैसे इसमें रिकमेंड किया था द टाइम दैट इट हैज मेंशन। तो लाइक आफ्टर यूजिंग 3 से 4 दिन इसके यूज करने के बाद मेरे चेहरे में लाइक ऑलमोस्ट एक्ने इंक्रीज हो गया था, और एक तो एक्ने एक्स्ट्रा हो गया था, जिसके वजह से मैंने इसके असिस्टेंट को फिर से कांटेक्ट किया। सो असिस्टेंट टोल्ड मी टू गो थ्रू द Q&A सेशन अगेन। आफ्टर गोइंग टू द Q&A सेशन अगेन दे रिकमेंडेड मी द सेम प्रोडक्ट। सो आई यूज द प्रोडक्ट फॉर ऑलमोस्ट 2 to 3 weeks। 2 से 3 week यूज करने के बाद मेरे चेहरे में और एक्ने बढ़ गया। आई नो माई स्किन टाइप मेरे चेहरा एक्ने प्रोन है, बट मुझे कभी भी फोर हेड्स पे एक्ने नहीं होते थे। आई यूजली गेट्स द एक्ने ऑन माई चेक्स, माई जॉ लाइन एंड द अदर चेक्स एरिया, बट स्किन क्राफ्ट प्रोडक्ट यूज करने के बाद मेरे फोर हेड पे भी एक्ने होने लगा। तो आफ्टर आई गॉन थ्रू द असेसमेंट अगेन, एंड वॉट दे टोल्ड मी इज दैट वी डोंट हैव एनी टाइप ऑफ प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू योर एक्ने, सो दे डायरेक्टेड टू मी द डर्माटोलॉजिस्ट विदाउट trying to know what trouble I'm going through. They directly directed me to the dermatologist, and after going through all this trouble mujhe ultimately dermatologist ke paas jana hi pada apne skin ko cure karne ke liye. So I recommend not to use it, because if you're using a skin care product for acne purpose, it will worsen the condition. One of the disgusting thing that I found about the product is that firstly they show that they are going through a proper clinical assessment of your skin, and once you started using their product and agar aapke skin mein kuch problem ho jata hai, they don't even concern to go through your problem and they simply directed towards a dermatologist. So my experience towards the skin care product was very worse. I recommend if you are using it for acne purpose not to use it, because it will worsen the condition. So this was my review towards the skin care product. And lastly, I recommend you again not to use the skin craft product, especially if you're using it for acne purpose. It may worsen your condition. If you like my video, then don't forget to subscribe, like and comment. Stay safe, stay at home and grow with beauty.